So, yesterday we were doing the basically subclasses of the phylum Physis. Sorry, super class Physis and Tetrapoda की क्लासेस के बारे में बात कर रहे थे. Physis एंड टेट्रा पोडा. पाइसिस का मतलब है फिशेस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पाइसिस, द कार्टिलेजिनस फिशेस एंड द बोनी फिशेस. कार्टिलेजिनस फिशेस आर नोन एज एंड द बोनी फिशेस. कार्टिलेजियस फिशेस आर नोन एज कॉन्ड्रिथाइज एंड बोनी फिशेस आर नोन एज ऑस्टिथाइज. कार्टिलेजियस फिशेस के अंदर क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड होती है वो फ्यूचर में वर्टेब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है. एंड बोनी फिशेस में क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड होती है बेसिकली वो बोनी स्केलेटन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. टेट्रापॉड के अंदर क्या होता है, टेट्रापॉड्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट आर हैविंग 4 फीट. पोडा का मतलब होता है फीट, टेट्रा का मतलब होता है चार. इसके अंदर हमारे चार क्लासेस आती हैं. राइटिंग इन द सीक्वेंस वी आर हैविंग अरम. अरम करके आप याद कर सकते हो, ARAM, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स. These are the vertebrates coming under the category of tetrapoda. Tetrapoda क्यों? क्योंकि they are having 4 feet, basically 4 feet और 4 limbs. और पाइसिस के अंदर क्या होते हैं, फिन्स होते हैं. पाइसिस आर हैविंग फिन्स, टेट्रापॉड्स आर हैविंग फीट. तो ये था हमारा कल का टॉपिक जो चल रहा था. Let us now continue further. देखो, सब फाइलम है हमारे पास वर्टेब्रेटा. वर्टेब्रेटा को हम क्रेनिटा भी बोल सकते हैं, क्रेनिएटा भी बोल सकते हैं. एंड लेट अस रिवाइज वंस मोर, लास्ट टाइम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में ये घुस जाए पूरे अच्छे से. वर्टेब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज एनाथा एंड नेथोस्टोमा. एनाथा की जो क्लास है दैट इज साइक्लोस्टोमेटा, एक ही क्लास है एनाथा की. नेथोस्टोमा में देयर आर टू सुपर क्लासेस. वन इज ऑफ पाइसिस, पाइसिस बियर द फिन्स. एंड नेक्स्ट इज ऑफ टेट्रापोड्स, टेट्रापोड्स बियर द लिम्स. टेट्रापोड्स के पास फर्दर चार कैटेगरीज आ रही हैं. पाइसिस के पास फर्दर दो कैटेगरीज आ रही हैं, कॉन्ड्रिथाइज एंड ऑस्टिथाइज. कॉन्ड्रिथाइज आर द कार्टिलेजिनस फिशेस एंड ऑस्टिथाइज आर द बोनी फिशेस. सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स ये सब आ रहे हैं. सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द जॉलेस एनिमल्स. That is class Cyclostomata. Cyclostomata जो क्लास होती है, they all are ectoparasites. Ecto मतलब out, parasites मतलब blood sucking या फिर dependent on some fishes. Cyclostomes are the organisms that are
एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस. यू कैन सी हियर देयर इज अ फिश एंड उसके साथ ये साइक्लोस्टोम है जो अटैच्ड है. दिस इज द फिश एंड साइक्लोस्टोम इज अटैच्ड टू इट. साइक्लोस्टोम इज नॉट बियरिंग अ जॉ. जॉ नहीं है तो उसका माउथ कैसा होगा? सकिंग माउथ होगा. थस साइक्लोस्टोमेटा क्लास के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर हैविंग सर्कुलर माउथ. देयर बॉडी इज their body is elongated and do not have any scales. Scales क्या होते हैं? Fishes के ऊपर जैसे scales होते हैं, skin जैसे हम पे skin की layers होती हैं, वैसे ही fishes के ऊपर scales होते हैं. But in the class cyclostomata के organisms में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ना ही उनके scales होते हैं और ना ही उनके paired fins होते हैं. उनके पास 6 से 15 pair of gill slits है for respiration. Now this question is very very important for you. 6 से 15 pair मतलब 12 से लेके 30 तक के गिल स्लिट्स होते हैं इनके पास. एंड गिल स्लिट्स के थ्रू ही ये रेस्पिरेशन करते हैं. इनका माउथ क्या है? सकिंग है, सर्कुलर इन शेप है एंड डज नॉट बियर एनी काइंड ऑफ जॉज. द कार्टिलेजिनस क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट. साइक्लोस्टोम्स में भी कार्टिलेजिनस क्रेनियम प्रेजेंट है. ठीक है, तो कार्टिलेजिनस इनकी जो नोटोकॉर्ड है वो क्या है? कार्टिलेजिनस है, बोनी नहीं है. कार्टिलेजिनस क्रेनियम, क्रेनियम मतलब ब्रेन बॉक्स एंड वर्टेब्रल कॉलम इज प्रेजेंट. सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज्ड टाइप. क्लोज टाइप की सर्कुलेशन है. दिस मींस दैट ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द बॉडी इनसाइड द ब्लड वेसल्स. These organisms are marine but migrate for spawning to fresh water. Spawning के लिए वो fresh water में जाते हैं, means reproduction करने के लिए. To spawn their eggs, they go to fresh water and after spawning they die. Eggs lay करने के बाद, reproduction करने के बाद ये मर जाते हैं. So the reproductive stage is the last stage या senescent stage हम बोल सकते हैं in the class. Cyclostomata. After spawning, they die. Their larvae, after metamorphosis, return to the ocean. Larvae क्या करते हैं? एक stage से larva जब adult में convert होता है, उसको क्या बोलते हैं? Metamorphosis. Metamorphosis is the development of the larva into the adult form. And after metamorphosis, जो larva है, that return to the ocean. So that was about class cyclostomata. Now, इसकी example जो है that is petromyzon and myxine. ये क्या है? ये organisms हैं जो basically these are ectoparasites on the fishes. They are marine but fresh water में सिर्फ reproduce करने के लिए जाते हैं. जब ये fresh water के अंदर reproduce कर लेते हैं उसके बाद क्या हो जाती है? इनकी death हो जाती है. Petromyzon is known as the lamprey and myxine is known as the hagfish. Again, like branchiostoma, petromyzon and myxine are very important because class cyclostomata mein aapke paas do hi examples hain. To aapko question pucha jayega, what are the characteristics of petromyzon ya petromyzon ka common name kya hai? Which of the following the character is exhibited by hagfish? ठीक है, तो ये सब आपको नाम याद रखने हैं. नाउ हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द सुपर क्लास स्पाइसेस. सुपर क्लास स्पाइसेस हमारी नेथोस्टोमा में आ रही है. नेथोस्टोमा कैटेगरी में द मीनिंग इज दैट दे बियर द जॉज. जॉज का मतलब क्या होता है? माउथ के अंदर जो हमारे जॉज होते हैं, अपर जॉ एंड द लोअर जॉ, जॉ के अंदर टीथ आते हैं. साइक्लोस्टोमेटा क्लास में किसी के पास भी जॉज नहीं थे तो टीथ भी नहीं थे. बट इन द केस ऑफ फिशेस, फिशेस आर हैविंग टीथ. तो लेट अस रीड अबाउट द सुपर क्लास. लेट अस स्टार्ट विद द सुपर क्लास स्पाइसेस. स्पाइसेस का मतलब है बियरिंग फिन्स. एंड जिनके पास फिन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम फिशेस बोलते हैं.
कॉन्ड्रोथाइज आर द कार्टिलेजिनस फिशेस, इनमें जो वर्टेब्रल कॉलम है वो कार्टिलेजिनस स्केलेटन में कन्वर्ट हो जाता है, थस दीस फिशेस आर नोन एज कार्टिलेजिनस फिशेस. कार्टिलेजिनस फिशेस की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, दैट इज शार्क. Osteotheres are the bony fishes. They are having bony skeleton and inme jo vertebral column hai that is made up of bones. Jo notochord hai embryonal stage ke baad adult mein ye bones mein convert ho jati hai. Iske characteristics ko read karte hain. They are having the streamlined body. Jo cartilaginous fishes hai they are marine. मरीन ही होती है, सीज एंड ओशंस में ही मिलती है. शार्क जो है आपको कभी रिवर में नहीं मिलेगी, दैट इज ओनली फाउंड इन सीज एंड ओशंस. मींस कार्टिलेजिनस फिशेस आर मरीन. इनकी बॉडी जो है स्ट्रीमलाइन बॉडी है. स्ट्रीमलाइन बॉडी क्यों होती है, क्या होता है स्ट्रीमलाइन बॉडी, कि जो फ्रिक्शन को कम करने के लिए व्हेन दे स्विम इनसाइड द वॉटर, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए इनकी बॉडी इस टाइप की है जिससे अच्छे से ये स्विम कर सकते हैं. उस टाइप की बॉडी को हम स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं. टू कट आउट द फ्लो ऑफ, टू कट आउट द फ्रिक्शन ऑफ द फ्लूइड एंड स्विम प्रॉपरली. प्रीडेशियस, प्रीडेशियस मतलब ये क्या करती है, प्रीडेट करती है ऑन स्मॉलर फिशेस एंड ऑन स्मॉल एनिमल्स. They are having cartilaginous endoskeleton. The endoskeleton is cartilaginous. Notochord is present throughout the life. So notochord hai inme present hai throughout the life. Now bony fishes ki jo hai, they are marine and freshwater and are having streamlined body. Jo bony fishes hai, they are also found in the freshwater as well as marine water and they are also having the streamlined body. And their endoskeleton is bony. And the notochord is converted into the vertebral bony column. So notochord is not persistent throughout the life. In the case of chondrichthyes, the notochord is present throughout the life. Now, chondrichthyes mein kya hai? Ventral mouth present hai. And they are having powerful jaws. Inke jaws jo hai, wo bahut hi powerful hai. And the mouth is present on the ventral side. इनके जो गिल स्लिट्स हैं, दे आर विदाउट द गिल कवरिंग. देयर इज नो गिल कवरिंग प्रेजेंट ऑन द गिल स्लिट्स. इन द केस ऑफ ऑस्टियोथाइज द माउथ इज टर्मिनल, दैट इज नॉट प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड. वेंट्रल साइड के ऊपर नहीं, बिल्कुल टिप के ऊपर माउथ प्रेजेंट होता है. ऑन द अदर हैंड कॉन्ड्रोथाइज के अंदर जो माउथ होता है दैट इज वेंट्रल, टिप पे नहीं प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है. एंड गिल स्लिट्स जो होते हैं, फोर पेयर्स ऑफ गिल होते हैं इनके पास एंड ऑपरक्यूलम ऑन ईच साइड. मतलब कि जो इनके गिल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट विद द गिल कवरिंग एंड दे आर मोर एडवांस टाइप ऑफ गिल्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कॉन्ड्रोथाइज एंड ऑस्टियोथाइज. ये क्वेश्चन मैम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती हूँ, आपको एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना बिकॉज ये इंटरेस्टिंग भी बहुत है. नाउ no air bladder, so they have to swim constantly to avoid sinking. इनके पास कोई भी टाइप का एयर ब्लैडर नहीं होता है, तो इनको स्विम करते रहना पड़ता है सारा टाइम. Skin with placoid scales, teeth are modified placoid scales which are backwardly directed. देखो ये जो इनके teeth है, teeth की डायग्राम दिखाई गई है. Teeth are the type of scales. Scales के टाइप ही है जो पीछे की तरफ को धसे हुए हैं, पीछे की तरफ को पुल किए गए हैं. बेसिकली इस टाइप से इनके टीथ की डेवलपमेंट हुई है एंड इनमें एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट नहीं है. इनके स्केल्स हैं जो दे आर साइक्लॉइड एंटीनॉइड. साइक्लॉइड मतलब सर्कुलर, एंटीनॉइड मतलब दिस, जो आप देख सकते हो यहाँ पे दिस स्पाइनी प्रोजेक्शंस टाइप जो शेप है दिस इज नोन एज द टीनॉइड शेप. एंड एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, मतलब कि इनको जरूरी नहीं कि हमेशा स्विम ही करते रहना पड़ता है. दे कैन फ्लोट इनसाइड द वॉटर विदाउट सिंकिंग. पोक्लियोथर्म्स, दोनों ही जो है फिशेस, दोनों दे आर कोल्ड ब्लडेड.
मतलब क्या है, ये हाइबरनेट कर जाती हैं जब इनके पास टेम्परेचर इनफ नहीं होता है। इनकी बॉडी बहुत सारे टेम्परेचर्स को अडेप्ट नहीं कर सकती है। हार्ट ऑफ फिशेज इज टू चैम्बर्ड, ये आपको याद रखना है, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। हार्ट के बारे में हम आ रहे हैं, फिशेज के अंदर वन चैम्बर्ड हार्ट है, एम्फीबियंस के अंदर टू चैम्बर्ड हार्ट है, रेप्टाइल्स के अंदर थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, ओनली द क्रोकोडाइल इज हैविंग फोर चैम्बर्ड हार्ट, बर्ड्स के अंदर एंड मैमल्स के अंदर क्या है, फोर चैम्बर्ड हार्ट है। ये आपको यहीं से याद रखना शुरू करना पड़ेगा। कोक्लियोथॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि कोल्ड ब्लडेड, दीज आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, दे कैन नॉट अडॉप्ट विद द एनवायरमेंट। सेक्सेस आर सेपरेट, दोनों में सेक्सेस सेपरेट होते हैं, कॉन्ड्रिथाइज एंड ऑस्टिथाइज में। मेल्स के अंदर पेल्विक फिन्स बियर क्लास्पर्स, क्लास्पर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्लास्पर्स हैं जो बेसिकली दीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टू होल्ड द फीमेल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है एंड विविपेरस होते हैं, नॉट एग लेइंग। ऑस्टिथाइज में क्या होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस क्लास में होती है, कॉन्ड्रिथाइज में, एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस क्लास में होती है, ऑस्टिथाइज में। द डिवेलपमेंट इज डायरेक्ट, डायरेक्ट मीन्स विदाउट एनी लार्वल स्टेज। एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास, कॉन्ड्रिथाइज, स्कॉलिडॉन एंड कारकेरोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, कारकेरोडॉन एंड स्कॉलिडॉन। स्कॉलिडॉन का कॉमन नेम है डॉग फिश एंड कारकेरोडॉन का नेम है ग्रेट व्हाइट शार्क। देन ट्राइगन एंड टॉर्पेडो, इलेक्ट्रिक रे, इट टॉर्पेडो इज हैविंग एन इलेक्ट्रिक ऑर्गन जिसको जिसकी वजह से प्रीडेटर को करंट लग सकता है। इट हैज अ पॉइजन स्टिंग, ट्राइगन इज द स्टिंग रे। ये दो बहुत ही कॉमन नेम है, आपको याद रखने होंगे। अब जब हम हायर क्लासेस की तरफ आ रहे हैं तो सारी एग्जाम्पल्स क्या है, मैटर करती हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड आपको डाइवर्सिटी के बारे में नॉलेज दे रही है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड बोथ द साइंटिफिक नेम एज वेल एज द कॉमन नेम। बोनी फिशेस की एग्जाम्पल है मरीन, सी हॉर्स इज अ मरीन फिश, एग्जोसीटस इज द फ्लाइंग फिश, दीज आर फाउंड इन सीज एंड ओशंस। फ्रेश वाटर आर लेब्यू एंड रोहू, कतला एंड क्लेरियस एंड द एक्वेरियम। एक्वेरियम फिशेज आर ऑल्सो बोनी फिशेज एंड दे आर बेटा एंड कैरोफाइलम। ओके, दिस इज अ बेसिक डायग्राम ऑफ अ फिश, आप देख सकते हो यहाँ पे दे आर हैविंग पेयर्ड फिन्स, स्विम ब्लैडर, डॉर्सल एज वेल एज कॉडल फिन, ब्रेन इज प्रेजेंट, नॉट कॉड इज प्रेजेंट इन बिटवीन। ब्रेन जो है बेसिकली जो नर्व कॉड के पास, दैट इज ऑन द डॉर्सल साइड प्रेजेंट है, डॉर्सल वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। नॉट कॉड इज प्रेजेंट इन बिटवीन एंड ऑन द वेंट्रल साइड द डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट। सुपर क्लास टेट्रोपोडा, सुपर क्लास टेट्रोपोडा के अंदर हमारे पास सबसे पहले आ रही है क्लास एम्फीबिया। एम्फीबियंस आर एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल एंड नीड वाटर फॉर ब्रीडिंग। एम्फीबियंस आर द ऑर्गेनिजम्स जो वाटर के अंदर भी रहते हैं एंड लैंड के अंदर भी रहते, लैंड के ऊपर भी रहते हैं। सो लिव इन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स एंड नीड वाटर फॉर ब्रीडिंग। ब्रीडिंग करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको क्या है, इनको वाटर की जरूरत पड़ती है। बॉडी हैज हेड एंड ट्रंक, दो पार्ट्स है बॉडी के एंड सम ऑर्गेनिजम्स इवन हैव द टेल। द स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स, इनकी स्किन जो है हमेशा मॉइस्ट रहती है एंड इनमें कोई भी टाइप के स्केल्स नहीं है। स्केल्स कहाँ पे देखे थे हमने, स्केल्स हमने देखे थे इनसाइड द फिशेस, फिशेस के अंदर टिनॉइड, साइक्लॉइड एंड प्लेकॉइड टाइप के स्केल्स थे।
प्लेकोइड स्केल्स थे जो दे वर प्रेजेंट इन द कार्टिलेजिनस फिशेस, स्टिनोइड एंड साइक्लॉइड वर प्रेजेंट इन द बोनी फिशेस, बट एम्फीबियस के स्किन में कोई भी स्केल्स नहीं होते हैं. टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, इनके पास कोई भी एक्सटर्नल ईयर नहीं प्रेजेंट होता है, इंटरनल ईयर टिम्पैनम प्रेजेंट होता है. इनका जो हार्ट है दैट इज थ्री चैम्बर्ड. थ्री चैम्बर्ड के अंदर आपको याद रखना है टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल. मिक्सिंग ऑफ ब्लड इज अलाउड, टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल. Cochleotherms, they are also cold-blooded. They also hibernate. Alimentary canal, urinary and reproductive tracts open into cloaca, which opens to the exterior. Cloaca क्या होता है? Cloaca हमने fishes के अंदर भी पढ़ा था. Cloaca is a basically cloaca is a common opening for digestive, excretory and reproductive tract. Digestive system का, excretory system का and reproductive system का common opening जो होता है उसको cloaca बोलते हैं. यहीं से उसके feces हैं वो बाहर निकलते हैं, यहीं से उसका urine बाहर निकलता है, यहीं से उसके जो gametes हैं egg और sperm बाहर निकलते हैं. This is known as cloaca, cloaca basically. Respiration is by gills, larva में gills के through होती है and adult में lungs and skin के through होती है. Tadpole आपको पता है, टैडपोल जो है वो लार्वा होता है फ्रॉग का, तो उसमें गिल स्लिट्स के थ्रू होती है एंड एडल्ट में लंग्स एंड स्किन के थ्रू होती है. Sexes are separate. External fertilization, oviparous development is indirect. Sexes are separate means dioecious है, external fertilization होती है, body के बाहर पानी में fertilization हो रही है, इसीलिए ये amphibians है क्योंकि इनको reproduction के लिए पानी चाहिए. Oviparous है मतलब egg laying है. Development is indirect मतलब larval stage के through development हो रही है. इसकी एग्जाम्पल्स है टोड, राणा टिग्रेना, हाइला, सेलेमेंडर एंड इक्थियोपस. इक्थियोपस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू बिकॉज लिम्बलेस एम्फीबियन है. ये स्नेक लाइक दिखता है बट इट इज अ एम्फीबियन, स्टिल इट इज एम्फीबियन ओनली. सेलेमेंडर जो है दैट लुक्स लाइक अ लिजर्ड बट इट इज द एम्फीबियन ओनली. बफो मीन्स टोड एंड हाइला इज अ ट्री फ्रॉग दैट लिव्स ऑन द. सभी के पास क्या है, अपनी लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट है. लार्वल स्टेजेस के थ्रू ये क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं. दैट्स व्हाई द डेवलपमेंट इज नोन एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. तो अब हम एक बार रिवीजन ले लेते हैं ऑफ आवर टॉपिक्स. बेसिकली हमने आज किए फिशेस. फिशेस के अंदर हमने दो टाइप्स के फिशेस को पढ़ा था, ऑस्टिथाइज एंड कॉन्ड्रिथाइज. कॉन्ड्रिथाइज आर नोन एज द कार्टिलेजिनस फिशेस, ऑस्टिथाइज आर नोन एज द बोनी फिशेस. कॉन्ड्रिथाइज है, कार्टिलेजिनस फिशेस है, कंसिस्टिंग ऑफ द शार्क्स, टॉर्पेडोज एंड ट्राइगन्स. टॉर्पेडो इज द इलेक्ट्रिक रे, इसके पास एक इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है. ये क्या करता है, प्रीडेटर या प्रे को इलेक्ट्रिक शॉक के थ्रू कैच कर लेता है. देन हमने किए ऑस्टिथाइज. ऑस्टिथाइज आर द बोनी फिशेस. बोनी फिशेस मतलब सारे इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो हम एक्वेरियम में देखने को मिलते हैं, जो हमें रिवर्स में देखने को मिलते हैं, जो बेसिकली ईटेबल है, एडेबल. एडेबल फिशेस जो है दे आर द बोनी फिशेस. बोनी फिशेस को बोनी फिशेस क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे इनमें जो है कार्टिलेजिनस स्केलेटन प्रेजेंट. बोनी फिशेस में बोनी स्केलेटन प्रेजेंट है एंड कार्टिलेजिनस फिशेस में कार्टिलेजिनस स्केलेटन प्रेजेंट है एंड नॉटोकॉर्ड प्रेजिस्ट थ्रू आउट द लाइफ. तो अगर क्वेश्चन आए कि किस टाइप की फिश में थ्रू आउट द लाइफ नॉटोकॉर्ड प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट इन द कॉन्ड्रिथाइज.
उससे पहले हमने किया था क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के अंदर हमने पढ़ा था दैट दे आर द एक्टोपैरासाइट्स मैरीन एंड ये कार्टिलेजिनस फिशेस या बोनी फिशेस के ऊपर प्रिडेट करते हैं, बेसिकली पैरासाइट करते हैं, एक्टोपैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं। अब ये जॉलेस के अंदर, जॉलेस के कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, तो इनके पास कोई भी टाइप का जॉ नहीं होता है, कोई भी टाइप के टीथ नहीं होते हैं, इनके पास कोई भी टाइप के स्केल्स भी नहीं होते हैं, एंड इनके पास जो है नॉटोकॉर्ड दैट इज कार्टिलेजनस स्केलेटन, सारा बॉडी है इनकी कार्टिलेज की बनी हुई। एंड जो इनका ब्रेन बॉक्स है दैट इज ऑल्सो कार्टिलेजनस। यस, इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक हमने ये पढ़ा था, वैसे तो ये मरीन है बट मरीन होने के साथ साथ, वैसे तो ये मरीन है बट मरीन होने के साथ साथ ये स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं। जब ये फ्रेश वाटर में स्पॉन कर देते हैं एक बार, उसके बाद क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाने के बाद जो इनके लार्वाज हैं बेसिकली वो मेटामॉर्फोसिस करने के बाद दोबारा से मरीन हैबिटेट में वापस चले जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन द कार्टिलेजनस फिशेज एंड बोनी फिशेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको कहा था कि आप ध्यान से पढ़ लेना उसको। Then, characteristics of chordates. This is also important कि कौन कौन से chordates होते हैं। उसके बाद हमने किया था amphibians. Amphibians are the organisms that help in that can live both on aquatic and terrestrial. Aquatic वाला जो phase होता है वो भी उनका important होता है, terrestrial वाला जो phase होता है वो भी उनका important होता है। दोनों phase important होते हैं। जो larva है उनका वो पानी में रहता है, वो टेरेस्ट्रियल नहीं हो सकता। और जो फ्रॉग है बेसिकली फ्रॉग को भी पानी के पास रहना पड़ता है, क्योंकि फ्रॉग चाहे ही एडल्ट है बट एडल्ट होने के साथ साथ फ्रॉग को फर्टिलाइजेशन के लिए पानी के पास ही जाना पड़ेगा। फ्रॉग के पास टिम्पैनम है, टिम्पैनम इज द इंटरनल ईयर, देयर इज नो एक्सटर्नल ईयर। इनके पास कोई पिन्ना नहीं होता, कोई मिडल ईयर नहीं होता, सिर्फ एक टिम्पैनम होता है एंड टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। एम्फी का मतलब होता है टू एंड बियंस आर द ऑर्गेनिजम्स। एम्फीबियंस आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन लिव ऑन टू हैबिटेट्स, बेसिकली वाटर एंड लैंड। एम्फीबिया। हार्ट इज हैविंग थ्री चैम्बर्स। इन द केस ऑफ फिशेज हार्ट के पास दो चैम्बर थे, एक ही ऑरिकल था, एक ही वेंट्रिकल था, बट इन द केस ऑफ एम्फीबियंस इनके पास तीन चैम्बर्ड हार्ट है। तीन चैम्बर्ड हार्ट के अंदर जो ऑरिकल है वो तो दो है, वेंट्रिकल है, एक ही वेंट्रिकल प्रेजेंट है। उसके बाद वी वर गोइंग थ्रू द एग्जांपल्स। एग्जाम्पल्स में वी कैन सी बफो। बफो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टोड। राना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। हाइला इज द नेम ऑफ ट्री फ्रॉग। सेलेमेंड्रा इज द नेम ऑफ सेलेमेंडर एंड इक्थियोफिस इज द नेम ऑफ लिम्बलेस एम्फीबिया। इक्थियोफिस बेसिकली रिप्रेजेंट अ स्नेक लाइक ऑर्गेनिज्म बट इट इज नॉट अ स्नेक, इट इज द लिम्बलेस एम्फीबियन। So, आज में हमने क्या कर लिया, लेट अस वी हैव रेड अबाउट द जॉलेस ऑर्गेनिजम्स, जॉलेस कॉर्डेट जो है उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को रीड कर लिया हमने। जॉलेस कॉर्डेट वाज द साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा जिसमें लैम्प्रे एंड हैगफिशेस आती हैं, दे आर बेसिकली द पैरासाइट ऑन द एक्टोपैरासाइट ऑन द फिशेस। उसके बाद हमने जॉड कॉर्डेट्स के अंदर फिंड
कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ लिया. फिन कॉर्डेट्स आर दे आर हैविंग पेयर्ड फिन्स एंड इसमें हमारी दो क्लासेस आ रही हैं बेसिकली द कार्टिलेजनस एंड द बोनी फिशेस. Cartilaginous fishes are all the sharks and bony fishes are all the basically found fishes that are commonly seen in rivers, aquariums and edible fishes. Uske baad we have started with the super class tetrapods and tetrapod ki first class jo hai that is amphibians. ये हमने इसके बारे में हमने इन डिटेल पढ़ लिया. इसमें सारे फ्रॉग्स एंड टोड्स, फ्रॉग्स टोड्स एंड सेलेमेंडर लाइक ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं. Again, I want to tell you one thing, that is ki cartilaginous fishes mein notochord hai that is present throughout the year, throughout the life, and bony fishes mein jo notochord hai that is converted into vertebral bony column. Air bladder jo hai cartilaginous fishes mein absent hota hai and air bladder is present in the bony fishes. Bony fishes को buoyancy provide करता है. जो teeth of the cartilaginous fishes होते हैं, they are the placoid scales जो backwardly extended है. But in the case of bony fishes, जो teeth हैं, they are present the true teeth. Okay, students, so that was all about today. हमारा कल last lecture हो जाएगा of the animal kingdom and कल के last lecture में हम आगे reptiles, aves and mammals के बारे में पढ़ लेंगे. उसके बाद हमारा जो एनिमल किंगडम वाला चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा. आई होप यू गॉट इट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था. प्लीज कीप ऑन रिमेम्बरिंग द एग्जांपल्स एज एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द एमसीक्यूज एंड एमसीक्यूज में बहुत सारे एग्जांपल्स बन जाते हैं. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.